हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग है, सुबह क्या बजे है 8, एंड अभी सुबह सुबह हम लोग आए हैं अबूधाबी एयरपोर्ट। तो अबूधाबी एयरपोर्ट हम लोग आए हैं, हम लोग कहाँ पे ट्रैवल नहीं कर रहे, तो कोई तो इंडिया से आ रहा है, तो हम लोग उसका वेट कर रहे हैं क्योंकि उसको अभी आधा घंटा वगैरह लगेगा। एंड हम लोग यहाँ पे अभी जस्ट उसका वेट कर रहे हैं। क्रिस्टन यहाँ पे कॉफ़ी पी रहा है एंड गुड्डी भी यहाँ पे है, सो हम लोग उसका वेट कर रहे हैं। एंड हम लोग को जाना है इसके बाद ऑफिस, इसके लिए क्रिस्टन एकदम ऑफिस वेयर पूरा रेडी होके बैठा है क्योंकि यही हम लोग का घर का ड्राइवर है तो ये मतलब ड्राइविंग यही करता है, तो हम लोग उसको पिकअप के लिए आए हैं अभी। तो फोन आ रहा है, वो आपको डायरेक्ट मैं उससे मिलवाती हूँ, सो स्टे ट्यून। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हेलो, कुठे पोहोचला रे? कुठे खाली? लगेज घेतलंस? लगेज नाही घेतलं, मग अजून नाही आहे बेल्ट, लगेज येईल। इमिग्रेशन झालं का? इमिग्रेशन झालं की नाही? नाही अजून। सिक्युरिटी चेकिंग वगैरे नाही झालं अजून काहीच? मग अजून तू चालतोयस म्हणजे ठीक आहे। चल ये पळत पळत ते आम्हाला ऑफिसात जायचं आहे, फटफट ये। काय म्हणत? नवीनवाले? हां हां हां, इकडे काय इमिग्रेशन पटकन होईल एवढं काय नाही, इकडे काय विचारत वगैरे नाही। ठीक आहे चल ये, आम्ही आहोत बाहेर, नाहीतर जातो आम्ही घरी। तुला बस का ठेवून जातो इथं, बस नाही आहे। चल बाय। कैसे हो? गंदा ना वरना ना आता इकडे आलेला आहे आमचा माणूस। हाय कर सगळ्यांना, कसं वाटतंय? खूप छान। एअरपोर्ट कसा होता? खूप मस्त। इंडियाचा एअरपोर्ट चांगला आहे का आपला इकडचा एअरपोर्ट? मुंबईचा एअरपोर्ट चांगलाच आहे। हा छोटा ये एअरपोर्ट ऍक्च्युली ये कॅपिटल आहे, लेकिन इसका दो टर्मिनल आहे। ये एअरपोर्ट वैसे भी थोडा छोटा है। अभी हम लोग आए हैं, ये है मेरा भाई, मेरा रियल ब्रदर। सो वो 10 दिन के लिए घूमने के लिए आया है। आपको वैसे भी पता है कि यहाँ पे रमजान ईद है, सो यहाँ पे अभी रमजान चालू है, तो हम लोग को हाफ डे है, तो हम लोग ऑफिस जाके ये तब तक रेस्ट करेगा, हम लोग ऑफिस जाके घर पे शाम तक रिटर्न आएंगे। एंड 10 दिन हम लोग पूरा घूमेंगे, एंड 10 दिन का पूरा मैं व्लॉग डे बाय डे का मैं ट्राई करूंगी डालने के लिए, सो स्टे ट्यून। दादा आपण यांना आणायला आलोय ना दोघांना एअरपोर्टला, क्रिस्टन आणि गुड्डी। गुड्डीकडे एक बॅग, क्रिस्टनकडे एक बॅग। दादाची मज्जा येणार। चल बस पुढे, बस बस पुढे। बस त्याने अनलॉक केले गाडी। मला वाटलं दादा तुम्ही झालं यहाँ पे, ड्राइविंग पूरा अपोजिट साइड पे है, तो उसको लगा कि ये साइड ड्राइविंग सीट है, तो मुझे यही कैप्चर करना था क्योंकि हमेशा जो भी आता है तो ये इशू होता ही है ड्राइविंग सीट का, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइड पे ड्राइविंग है। एंड मैं जब इंडिया जाती हूँ तब भी मैं ड्राइविंग सीट पे बैठने जाती हूँ, तो ये इशू है। हमें इतना मच्छा करना दिवस गाडी कशी वाटली आपली?
तू पहिल्यांदा बघितलीस ना जे जे येते पहिल्यांदा बघतात गाडी डेंजर वाटते की नाही MG5 आणि आपण आता बसलेलो आहोत परत विमानात कारण का आमचा ड्रायव्हर एकदम हेलिकॉप्टर विमान चालवतो सेम सेम वास येतोय कुवेत सारखा चल आम्ही जातो आता ऑफिसला हेलो तो हम लोग अभी ऑफिस से सुबह हम लोग ऑफिस गए थे दादा को घर पे छोड़ने के बाद गुड्डी को आज छुट्टी था तो वो घर पे ही थी तो वो दोनों ने घर पे मस्त रेस्ट किया और हम लोग ऑफिस से आने के बाद हम लोग रेडी होके अभी हम लोग आए हैं अबू धाबी कॉर्निश पे तो अरे वाह तो दादा को अभी हम लोग कॉर्निश एरिया दिखाएंगे यहाँ से पूरा अबू धाबी का स्काईलाइन दिखता है एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे एमिरेट्स पैलेस तो वो भी मैं पूरा इसमें कैप्चर करूंगी सो मेरा ये वीडियो एंड तक देखना इसमें सब अच्छा अच्छा आपको दिखने मिलेगा चल आले 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 टूरिस्ट गाइड ची आपल्याला गरज नाही आहे हमारे पास किसी को टूरिस्ट गाइड चाहिए तो मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्रिस्टन पूरा उसको गाइड कर रहा है कि कौन सा क्या है तो मैं आपको बताती हूँ कि चुप बैठ सो ये एरिया है कॉर्निश यहाँ से पूरा अबू धाबी का स्काईलाइन दिखता है काय रे फोटो खींचो करते दादाला माहित ना कळणार आहे ये है एयर शो तो यहाँ पे ऐसा एयर शो होता है मोस्टली नेशनल डे के टाइम पे लेकिन दादा का लक बहुत अच्छा है कि उसको ये एयर शो देखने मिला है हाँ गुड्डी तूने भी फर्स्ट टाइम देखा ना हाँ गुड्डी यहाँ से 2 साल से लेकिन गुड्डी ने भी फर्स्ट टाइम देखा ये मस्त लग रहा है ये दादा इकडे मार की इकडे होते दोन हिरो लोग इथे उभे तू कशाला पोजा देऊ नु बेस्ट पोजा दादाची फोटोग्राफी चालू आहे इकडे तो हम लोग अभी यहाँ पे है कॉर्निश पे यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर है मतलब ज्यादा गर्मी भी अभी तक चालू नहीं हुए एंड इतना ठंडी भी नहीं है एंड अभी आपने मैंने कैप्चर किया कि ये एयर शो तो ये एयर शो ऑलमोस्ट नेशनल डे के टाइम रहता है दिसंबर में लेकिन ये आज कैसे हुआ हम लोग को पता नहीं दादा का लग था उसको मैं व्लॉगिंग कर रही थी इसके लिए उन्होंने मेरे लिए खास ये अरेंज किया सो ये बहुत ही मस्त लग रहा है एंड ये पूरा कॉर्निश मतलब ये पूरा एरिया है अबू धाबी सिटी का पूरा स्काईलाइन यहाँ से पूरा दिख रहा है पूरा आँख से पानी आ रहा है इतना हवा है कि मेरे आँख से कंटिन्यू पानी आ रहा है कॉर्निश के बाद हम लोग आए हैं एमिरेट पैलेस तो ये होटल है 7-स्टार होटल है एंड ये पूरा व्यू है उसका एंड यहाँ से ये पूरा यहाँ का बिल्डिंग्स का भी व्यू बहुत अच्छा आता है दादा एकदम मस्त एंजॉय कर रहा है सब फोटो ये है पैलेस तो हम बहुत सारे यहाँ पे फोटोज निकाल रहे हैं दादा तेरे को कैसा लगा ये सब कुछ एकदम मस्त एकदम
फील हो रहा है तू अबू धाबी में आया ही करके भारी अबू धाबी एक नंबर। तेरे को यहाँ से मतलब क्या चीज अच्छा लगा आज अपने जो जो देखा सब कुछ? पैलेस देखने आए कल आज सैटरडे नाइट है। हाँ सैटरडे नाइट है जंगी। सो अभी हम लोग वो पैलेस के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे जहाँ पे भी आप देखोगे पूरा गोल्डन गोल्डन ही दिखता है, पूरा लाइट्स वगैरह पूरा एकदम गोल्डन जैसा ही है। एंड ये पैलेस एक्चुअली होटल है, सो यहाँ पे स्टे के लिए वगैरह लोग आते हैं, आप रूम वगैरह बुक कर सकते हो। मैं छोटे छोटे क्लिप्स यहाँ पे डाल दूंगी पूरा इसका इंटीरियर का। इसका इंटीरियर एक नंबर है, मतलब आप देखोगे तो पूरा एकदम गोल्डन 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 दिखता है। तो मैं पूरा क्लिप्स में दिखाऊंगी पूरा इसका इंटीरियर। आज का डे हम लोग का पूरा ख़त्म हुआ है, डे फर्स्ट दादा का यूएई में अबू धाबी में। तो ये रात का व्यू तो बहुत मस्त लग रहा है। हम लोग अभी पैलेस से भी बाहर आ चुके हैं। एंड दादा तेरे को पूरा आज का दिन कैसा लगा? एकदम सुपर मस्त एकदम एक नंबर। ओके सो आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। होप आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, डे टू में। सो स्टे ट्यून्ड।